नमस्कार, स्वागत है आपका कालरा बिल्डर्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 BHK का एक बहुत ही लग्जूरियस फ्लैट द्वारका मोड़ जैसी प्राइम लोकेशन पर। अगर मैं इस फ्लैट की कुछ फैसिलिटीज की बात करूँ तो ये फ्लैट आपको मिलता है लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ। इसी के साथ अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये फ्लैट आपको मिलता है 72 लाख का 115 गज इंडिपेंडेंट फ्लोर के साथ। एंट्रेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस हमारा ये लिविंग रूम रहने वाला है इस फ्लैट का। अगर मैं इसके वर्क की बात करूं तो बहुत ही सूदिंग वर्क आपको यहां पे दिया जाएगा। एज यू कैन सी कितना खूबसूरत काम यहां पे आपको दिया गया है। इसी के साथ आपको मिलती है फॉल्स सीलिंग और यहां पे आपको मिलती है हमारी शैंडल लाइट ऑलरेडी फिटेड। अगर आप लाइट्स को थोड़ा देखें तो यहां पे हम आपको देते हैं फोकस्ड लाइट्स जो कि इस कमरे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने आपको टीवी कैबिनेट भी दिया है, तो यहाँ पे आप अपना टीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे अटैच काफ़ी प्यारे ड्रॉर्स मिलते हैं और इनमें काफ़ी अच्छी स्पेस भी देखने को मिलती है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल लाइटिंग का काम भी मिलता है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किचन। तो ये रहने वाला है हमारे इस फ्लैट का मॉड्यूलर किचन। अगर इस किचन की कुछ फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो ये आपको देते हैं मूविंग टैप्स, एज यू कैन सी। इसी के साथ ये आपको यहाँ पर मिलता है हाइड्रोक्लोरिक सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट्स। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलती है इंस्टॉल्ड चिमनीज, साथ में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कैबिनेट्स और काफ़ी स्पेशियस ये कैबिनेट्स रहने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको फोकस लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको मिल जाती है प्रोफाइल लाइटिंग। साथ में आपको यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारी सी लाइट देखने को मिलती है और ये रहने वाला है हमारा मॉड्यूलर किचन। इसी के साथ आपको यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर आप काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का रेफ्रिजरेटर फिक्स कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ कमरे की तरफ। तो ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट बेडरूम। काफ़ी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आपको दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके काम की बात करूँ तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे काम दिया गया है जिससे ये कमरा और भी निखर रहा है। इसी के साथ अगर मैं अलमीराज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत अलमीराज दी गई हैं और इनकी स्पेस की बात की जाए तो देखिए काफ़ी स्पेशियस ये अलमीरा रहने वाली है। इसी के साथ इन अलमीराज के साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल लाइटिंग का काम और साथ में आपको ये कॉलम्स भी दिए गए हैं अपने शो पीस या कुछ भी सामान रखने के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत ये कमरा लग रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें तो आपको वॉल सीलिंग भी मिलती है और साथ में मिलती है हमारी फोकस्ड लाइट्स। आइए मैं आपको दूसरे कमरे की तरफ लेकर चलती हूँ। तो ये रहने वाला है हमारा सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे भी आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये कमरा रहने वाला है। अगर मैं इसके अलमीराज की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलता है। काफ़ी स्पेशियस हैं ये अलमीराज। इसी के साथ अगर इसके बैक वर्क की बात की जाए तो काफ़ी प्यारा काम यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ पर किया गया है। साथ में अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। इसी के साथ आपको हम दे रहे हैं फोकस्ड लाइट्स। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है टीवी का पैनल। यहाँ पे आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलती हैं लाइट्स। आइए अब मैं आपको बालकनी की तरफ लेकर चलती हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस कमरे के साथ आपको मिलती है अटैच्ड बालकनी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी स्पेशियस ये बालकनी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए काफी अच्छी स्पेस दी गई है। आइए अब मैं आपको तीसरे बेडरूम की तरफ लेकर चलती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना स्पेशियस हमारा ये वाला कमरा है। अगर मैं इसके काम की बात करूं तो देखिए कितना खूबसूरत काम यहाँ पे किया गया है, जो इस कमरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। साथ में अगर मैं अलमीराज की बात करूं तो देखिए ये हमारे अलमीराज रहने वाले हैं और कितने स्पेशियस हैं ये। जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग मिलती है। इसी के साथ हम आपको देते हैं फोकस्ड लाइट्स। अब मैं अगर टीवी कैबिनेट की बात करूं तो देखिए यहाँ पर भी आपको टीवी कैबिनेट मिलता है हमारे इन अलमीराज, छोटी सी अलमीराज के साथ, जिसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का काम दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमारे ड्रॉर्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, तो ये आपको दी गई है विंडो फॉर योर वेंटिलेशन। ये कमरा आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पे आपको वुडन फ्लोर का काम मिलता है। इसी के साथ आपको मूविंग टैप्स दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर भी आपको फोकस लाइट का काम नज़र आता है। गीज़र के लिए गीज़र पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमारा शावर भी इंस्टॉल्ड है। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो ये हमारा रहने वाला है कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे आपको काफी प्यारा काम देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कैबिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं सामान रखने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर मिरर भी इंस्टॉल्ड है, हमारे मूविंग टैप्स हैं, हमने आपको यहाँ पर दी है फोकस्ड लाइट्स। अब चलते हैं फ्लैट के डिटेल्स की तरफ। चलिए अब इस फ्लैट की डिटेल्स की बात की जाए। तो ये है 3 BHK फ्लैट, जो आपको पड़ेगा 72 लाख का, 115 गज इंडिपेंडेंट फ्लोर। अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो द्वारका मोर मेट्रो स्टेशन से इस फ्लैट की दूरी रहेगी 80 से 100 मीटर। ऑल्सो आप इस फ्लैट पर 80-90% लोन अवेल कर सकते हैं। इस फ्लैट की फैसिलिटीज की बात की जाए तो कार पार्किंग एंड लिफ्ट आपको दी जाएगी। इसी के साथ इस फ्लैट का फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। तो अगर आपको इस फ्लैट का टूर अच्छा लगा हो तो कालरा बिल्डर्स को विजिट करें और इस फ्लैट को अपना बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।